Thank you.
गौरचंद्रा राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णाय
तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अवदन्नाय कृष्णप्रियमधुराय कृष्णाय कृष्णवत्सवनाम्नि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमा वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई वैष्णवस्तच कृष्ण भक्ति देवी सत्यवतये नमः श्री कृष्ण चैतन्य गौरानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रथमा मित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीयोग सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रथमा मित्रिला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति मैदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति को उन्होंने रस रूप प्रदान किया है। अभी बता रहे हैं जो भक्ति है ये भक्ति कैसे होती है। ये भक्ति के लिए बताया ये जैसे भगवान कृष्ण अपना इच्छा से ही उन्होंने अजन्मा जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अजो विसर्ण अभय आत्मा भूताना ईश्वर अभिसर प्रकृति समाधिष्ठाय संभवाम आत्मा भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं मेरा जन्म कर्म चबे नित दिव्य मेरा जन्म कर्म दिव्य और औलत गए लेकिन होने पर भी मैं जन्म लेता हूँ। जैसे भगवान स्वच्छा पूर्वक श्री दशरथ महाराज को अपना पिता बना जैसे कृष्ण अपना इच्छा से श्री वसुदेव महाराज को इच्छा पिता बनाए यद्यपि कृष्ण अपना इच्छा से श्री नंद के नंद बाबा की अपना बेटा बनाए भगवान की कोई पिता होता है वो जगत पिता जगन्नाथ है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह मैं ये विश्व ब्रह्मांड का पिता बंधु भाई मैं हूँ। लेकिन वो जगत पिता जगन्नाथ होते हुए भी उन्होंने पिता बनाया नंद को जसोदा श्री जसोदा माँ को अपना माँ बनाया देवकी को माँ बनाया जसोदा को माँ बनाए कहते उसी तरह जो भगवान की जो भक्ति है वो ठीक ऐसे ही है। कहते भगवान की जो भक्ति है कहते सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति उनकी स्वरूप शक्ति भक्ति भी स्वप्रकाशिता भगवान जैसे सर्वशक्तिमान भगवान है कहते उनकी जो स्वरूप शक्ति अपना जो स्वरूप शक्ति भक्ति भी कहते स्वयं प्रकाशिता कहते भक्ति भी ऐसे स्वयं अपना इच्छा से भक्ति प्रकट होती है। इसलिए कहते भक्ति स्वयं प्रकाशिता की जो भक्ति है उसके लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता है। भक्ति किसी कारण की अपेक्षा ऐसे करने पर भक्ति होगी नहीं तो भक्ति नहीं होगी ऐसे कोई कारण नहीं रखता है।
इसलिए कहा उदाहरण दिया है भागवत में कहते सबई पुंसा परो धर्म जत्तो भक्ति अध्यक्ष सजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। यहाँ पर बताए जो भगवान की जो भक्ति है क्या है, बोले सबई पुंसा अंग परो धर्म, बोले पुरुष मात्र का ये सर्वश्रेष्ठ धर्म, बोले क्या सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बोले जत्तो भक्ति अध्यक्ष सजे, भगवान कृष्ण को भगवान राम को भक्ति करना जीव का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, कहते अहै तुकी और अप्रतिहत, हमने दो उदाहरण दिया। जो भक्ति है अहै तुकी, अहै तुकी मतलब किसी कारण के बगैर, अप्रतिहता मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जो भक्ति निरंतर जमे। गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे शहद है, अगर शहद कहीं से डालो ना उसमें देखना कि धागा बन जाती है, एक धागा बनी जाती है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यू, बीच में कोई बाधा उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे सूर्य का किरण अगर बीच में मेघ आ जाए ना, क्या होता है, बीच में छिप जाती रुक जाती है। लेकिन ये सूर्य का किरण एकदम डायरेक्ट जैसे ये पृथ्वी को ऊपर पड़ती है, किसी मेघ द्वारा जैसे नहीं ढकती है, भक्ति भी ये नहीं ढकनी चाहिए। ये भक्ति कंटिन्यू, भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जप किया सब करिया निर्बंध। हरिनाम को कैसे करो, नियम से, बिना नियम से नहीं, हरिनाम को नियम से हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते की शयन क्या सोते समय, की भोजन खाते समय, की बात जागरण क्या जगते समय, क्या करो, अहर निश चिंत कृष्ण बोला भगवान, हर समय क्या करो अपना मन में भगवान की नाम लो, हर समय भगवान की नाम लेते रहो। इसलिए सोते समय भी क्या करो भगवान की नाम लो, बोले सोते समय तो सो जाते पर भगवान की नाम कैसे करोगे, है कहते आप देखना किसी विषय में अगर आप ज़्यादा अभिष्ट हो जाओ, किसी विषय में ज़्यादा अभिष्ट हो जाओ, देखना सोते सोते भी वही स्वप्न आते, स्वप्न समय देखना भी वही कर रहा हूँ, स्वप्न देखना भी वही काम कर रहा हूँ। इसलिए कहते जैसे हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं सारा दिन भजन करते हैं, हैं अगर कभी एक घंटा आधा घंटा के लिए कभी सो जाते हैं, बोले उसमें क्या देखते हैं, बोले स्वप्न राधा गोविंद देखे, वो स्वप्न अवस्था में भी राधा कृष्ण को स्वप्न में देखते थे, हैं स्वप्न में भी ठाकुर जी आते हैं। इसलिए भक्ति कैसे होनी चाहिए, जिसमें अहै तुकी, जिसमें कोई एक तो कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, अहै तुकी भक्ति उगत अहै तुकी, बिना हेतु के, बिना हेतु के और अप्रतिहता, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अहै तुकी शब्द का और एक अर्थ यहाँ कहते हैं बिना किसी कारण के। इसलिए भक्ति स्वतंत्रता है, वो भक्ति कहीं भी ये भक्ति प्रकट हो सकती है। भक्ति के लिए जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भक्ति भी कहीं भी प्रकटित तो हो सकती है। जैसे अध्यक्ष सज भगवत भक्ति बिना किसी कारण के स्वयं उदित तो हुआ करती हैं। कद भागवत में और भी कहा जद्रिक्षया मत कथा दो, इसका मतलब क्या, भले मेरे स्वरूप शक्ति भक्ति की कृपा से ही मेरी लीला कथा आदि में रुचि उत्पन्न होती है। जब भगवान की लीला कथा में रुचि कैसे होता है, तद मेरी स्वरूप शक्ति भक्ति की कृपा से ही। मत भक्ति च जद्रिच्छया, अर्थात जद्रिच्छा व स्वतंत्र रूप में मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जो भक्ति है वो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करती, स्वतंत्र रूप अपना इच्छा से ही भक्ति प्रकट होती है। बोले जद्रिच्छय उपजिता, तथा भागवत और भी
बताया है बिना किसी कारण के स्वच्छंद रूप में भक्ति उदित होता है और जद्रिता अर्थ होता है स्वच्छता पूर्वक। इसलिए जैसे भक्ति ये नहीं देखती है अरे ये छोटे जाती है इसकी हृदय में कैसे मैं भक्ति प्रकट हो जाओ, नहीं। जैसे सबरी है, सबरी ये छोटी जाती है सबरी, लेकिन भक्ति देखो ये स्वतंत्रता है, भक्ति ये स्वतंत्रता। इसलिए ये जैसे कहीं भी भगवान जैसे स्वतंत्रता है, ये भक्ति भी स्वतंत्रता, वो किसी के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो सकती। जैसे सबरी है, सबरी जिस समय उसकी शादी की तय हो रही थी, उन्होंने देखा कुछ बकरियों को लेकर के आए, बोले पिताजी ये इतने बकरी क्यों लाए, भेड़ बकरी क्यों? बोले बेटी तेरी शादी होगी ना, हैं शादी में जो बराती आएंगे उनके लिए उनको भोज दिलाया जाएगा। उसने देखा भैया ये शुभ विवाह है, लेकिन ये शुभ विवाह में इतने बकरी और भेड़ की बलि, मेरे लिए इतने बकरी भेड़ और मुर्गा की बलि होगी और इसे मेरी शुभ शादी है। बोले भैया ऐसे शादी नहीं करना, भाग गई उसने जंगल में चली गई और उनने श्री मातंग ऋषि को अपना गुरु बनाया। अभी गुरु जी की सेवा करना पड़ेगा क्योंकि सेवा के बगैर विवाह नहीं मिलती है। इसलिए भैया मैं तो स्त्री जाती हूँ, आश्रम में तो बड़े बड़े ब्राह्मण साधु गुरु जी रहते हैं, आश्रम में भी नहीं रह सकता हूँ, आश्रम के अंदर में मैं छोटे जाति के प्रवेश भी नहीं कर सकता, फिर मैं मेरी से क्या सेवा होगी? सेवा को ढूंढ ली, सेवा को बोलने का जरूरत नहीं, सेवा को ढूंढ लेनी चाहिए। क्या ढूंढ ली? बोले ये रोज ये पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, रात को उसको झाड़ू लगाते हैं, प्यार में कोई कांटा चुभ नहीं जाए, घर में रोसोई बनती है, दिन भर जंगल से सूखी सूखी लकड़ियों पर बीनती है और रात में क्या करती है, घर को सामने छुपा करके रख करके चली जाती है और आश्रम का चारी तरफ में रात में जब सब सो जाते हैं देखो छुपा छुपा करके भक्ति कर रहे, छुपा छुपा करके भक्ति, ऐसे नहीं दिखा दिखा करके करें, नहीं, भक्ति छुपा छुपा कर करनी चाहिए। उसने आश्रम का चारी तरफ में सुंदर करके झाड़ू लगा देती। एक दिन मातंग ऋषि ने देखा ये सवेरे उठा, देखो सामने सूखे की लकड़ी पड़ी रहती है और जिस रास्ता में जाता हूँ बड़ी सुंदर झाड़ू लगा हुआ रहता है और आश्रम का चारी तरफ में सुंदर साफ सुथरा है। ये तो पहले पहले ये ब्रह्मचारियों को बोलना पड़ता भाई झाड़ू लगाओ, लेकिन बिना बोले ये तो रात में सवेरे उठे तो पूरा साफ सुथरा है, हैं? तो वो तो एक दिन देखे किताब को कौन करता है, एक दिन देखा ये सबरी कर रहे हैं। बोले बेटी तुम ये सब काम क्यों करती हो? बोले गुरुदेव आपको मैं अपना गुरु माना, गुरु जी का सेवा करनी चाहिए, सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलेगा और मैं ना तेरा स्त्री जाति सबरी जाति की आपको क्या सेवा कर सकते हूँ, ये छोटी मोटी सेवा भी कर देते, वो तो गुरु है ना, वो सब जानते हैं, भक्ति के लिए कोई जात पात पूछना, कोई हरि का भजा सो हरि का, भक्ति के लिए कोई जात पात का विचार नहीं। और भक्ति स्वच्छता ये जो कह रहे हैं ना आहे तो की जद्री छया, ये अपना इच्छा से ही स्वतंत्रता है, किसी के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो सकती है। ये छोटी जाति सबरी है लेकिन इसके हृदय में भी भक्ति प्रकट होती है और ये गुरु जी की सेवा कर रही है। अभी गुरु जी तो साधारण थे नहीं, गुरु जी तो पहुंचे हुए गुरु जी, उनको पता है भक्ति के लिए श्रद्धा की जरूरत है, भावना की, भक्ति के लिए भावना श्रद्धा की जरूरत। देखा इसके अंदर में सेवा वृत्ति है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपात, पहले गुरु जी के चरण में शरणागत हो फिर गुरु जी की सेवा करो, है सेवा करो गुरु जी की। इसलिए देखा इसके अंदर में सेवा वृत्ति और भक्ति कैसे प्राप्त होती इस सेवा से, जैसे भगवान कहते हैं वश्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पत्नी सत्पतिं जता, जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देती है उसकी अंगुल पर पति नाचती है, सारी तनख्वाह लाएगी सब पत्नी को दे देगी, सारे पत्नी को क्यों सेवा करती है, अगर पत्नी से पैसा मांगना हाथ हजार कई पद देना पड़ेगा, इसलिए इतना पैसा मांग रहे हो,
इतने पैसा क्या करोगे, क्यों मांग रहे हो, हजार देखो देना पड़ता क्यों, वो सेवा करती हैं, वो सेवा करती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को भक्त भक्ति को द्वारा सेवा को द्वारा मेरे को मजबूत कर देती है। सेवा एक से एक चीज ये सेवा है। इसलिए गुरु जी ने देखा भैया यही भक्ति की अधिकारी। इसलिए बोले बेटी एक काम करियो, तुम आकर के सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनना। बोले मैं छोटे जाति की, बोले कोई चिंता नहीं, पीछे बैठ कर सब कथा सुनना। फिर भक्ति जत्री चया, भक्ति स्वतंत्रता है, भक्ति इच्छा से अपना इच्छा से कहीं भी भक्ति प्रकट हो सकती। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, सबसे पीछे आकर कथा सुनियो। अभी जब उसने आश्रम में प्रवेश किए ना, वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे। हाँ बोले सबरी, तुमने आश्रम में प्रवेश कैसे की, हमारी आश्रम गंदा हो गया, गोबर का पानी गोमूत्र लाकर छिड़काव कराओ, तेरे को आदेश किसने दी। मातंग ऋषि ने कहा मैंने आदेश दी। बोले गुरु जी लगता है बुद्धि आपका भी खराब होगी, ये छोटे जाति के आश्रम में आएगी तो आश्रम अपवित्र हो जाएगा, अगर ये आश्रम में रहे आएगी ना फिर तो हम सबके सब आश्रम छोड़ देंगे। बोले अगर तुम छोड़ना तो पूरा पूरा चले जाओ छोड़ करके, लेकिन अकेली में इसको मैं भक्ति की शिक्षा में इसको अकेली करूँ। सचमुच से सारे ब्राह्मण चले गए, उन्होंने अकेले सबरी को उन्होंने सारी कृपा की, हरि कथा सुनाई और उन्होंने गुरु जी उसको पर आशीर्वाद दिए। बोले बेटी एक दिन परम ब्रह्म राम अकेले नहीं अपना भाई को साथ में यहाँ आएंगे, जब आएंगे ना पहले तेरे पास। गुरु जी ने आशीर्वाद देकर गए और गुरु जी ने बोल दिए एक दिन भगवान आएंगे। बोले जब गुरु जी बोल कर गए भगवान जरूर आएंगे। इसलिए रोज क्या करती है, झाड़ू लगाती हैं, फूल लाती हैं, रास्ता में फूल बिछवाती हैं और बड़े सुंदर सुंदर बेर को ला ला कर चक चक करके हैं अपना घर में रखती हैं। कितना साल बीत गई, जब जवानी थी गुरुदेव बोल कर गए थे, लेकिन वृद्धा हो गई, लेकिन गुरु जी ने बोले भगवान आएंगे एक दिन जरूर भगवान आएंगे। इसलिए कहते ना गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करियाय को हार ना करिय मने आस। इसलिए गुरुदेव ने जब हमें अपना माला दिया, भगवान की माला झोली दी, उसको क्या करनी चाहिए, नियम तो पूर्वक माला को जप करनी चाहिए है, माला जप करनी चाहिए माला को। इसे जब करेंगे एक दिन जरूर भगवान की कृपा होएगा ही, एक दिन भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे। क्यों, हरी से बड़ा हरि का नाम है, जरूर आएंगे। गुरु जी बोल कर गए और सचमुच से एक दिन भगवान स्वयं राम लक्ष्मण आए, अपना आंखों से आंसू से चरण धोए और उनको चक चक करके जूठा बेर खिलाए। फिर कहते ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाए है, इसलिए भगवान बोले प्रेम के बस सब फुट बेर खाए, बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंचे प्रेम सगाए। इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के झूठे बेर को खाए। बोले सबरी तुम्हारी झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है ना, वैकुंठ में छापन भोग छत्रिस व्यंजन में भी इतना स्वाद नहीं आता है जो स्वाद तुम्हारी बेर। इसलिए यहाँ पर जब जो भक्ति है वो अपना इच्छा से है, अहेतु की जत्रिचा क्रम से इच्छा से ही क्या करती, भक्ति किसी के हृदय में भी प्रकट हो जाती है। वो किसी जात पात ये सब चीज को, छोटे जात इधर उधर चीज को नहीं देखती है, सबके हृदय में भक्ति जहाँ भी वो इच्छा भक्ति स्वरूप शक्ति इच्छा से भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है। और भक्ति हनुमान जी के हृदय में प्रकट हो, हनुमान बंदर है, बंदर के हृदय में भक्ति आती है, है? बंदर घर में कोई बंदर घुस गया ना, बोले भैया घर अपवित्र हो गया उसको साफ कर, लेकिन भक्ति किसको हृदय में, हनुमान के हृदय में प्रकट हो गए। इसलिए जिस समय माता सीता को उधार करके ले आए तो इतने में सीता माता बड़ी खुश हो गई। बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना मेरी उद्धार होना बड़ा कठिन था,
तेरी वजह से मेरी उद्धार हुई है, इसलिए मैं सबसे कीमती चीज देना चाहता हूँ। मैया सीता गले से गजब के हार निकाल कर हनुमान को देना। हनुमान एक मूर्ति को काट रहा था, देख रहा था, फेंक रहा था, काट रहा था, फेंक रहा था। इतने में मैया सीता की बुरा क्रोध आया, बोले ऐसे क्या कहते, जात में बंदर है, बंदर को अदरक का स्वाद क्या पता है, हैं? बोले मैं तेरे को इतने कीमती चीज दिया, मैंने इतने कीमती चीज मैंने तुमको दिया और तू दांत में काट काट कर फेंक रहे, ऐसा क्यों कर रहे? बोले माता जी, मैं देख रहा हूँ ये मूर्तियों में मेरी प्रभु सीता राम की कोई छवि है नहीं, जिसमें मेरी सीता राम की छवि नहीं वो हनुमान का कोई काम का नहीं है। बोले बात तो बड़े बड़े करते हो, तो तेरे शरीर में क्या सीताराम? तो शरीर को फेंक दो। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओगे? हनुमान जी छाती को फाड़ दी, छाती को फाड़ दिया, तो देखा सचमुच से हनुमान के हृदय में सीताराम की निवास है। बोले श्री हनुमान लाल की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय। दिखा दिया देखो मेरे हृदय में आप दोनों विराजते हो, तभी मैंने ये शरीर को धारण किया। इसलिए भक्ति ये नहीं देखा, अरे बंदर है, कि बंदर का हृदय में भक्ति कैसे आ सकता है, बंदर घुस जाए तो घर अपवित्र हो जाता है, हैं? फिर इसको सवेरे बंदर का मुंह देख लो, नाम लो, दिन भर भोजन ही नहीं मिलेगा, अब भोजन ही नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान को जी को देखो, सवेरे उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ते, हनुमान की पूजा करते, हनुमान की आरती उतारते, बोले क्यों? हृदय में भक्ति, हृदय में भक्ति। इसलिए जो भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भक्ति, वो किसी चीज को पर निर्भर नहीं करती। जैसे भगवान किसी कुल में इच्छा से प्रकट होते हैं, ये भक्ति भी किसके हृदय में अपना इच्छा से प्रकट हो जाती। ये नहीं कहते नहीं ये बंदर है, इसकी हृदय में ये भक्ति कैसे हृदय में प्रकट होगी, ये चीज को नहीं देखती है, हैं? जैसे श्री प्रहलाद महाराज राक्षस, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद राक्षस है, हैं? राक्षस है, लेकिन देखो प्रहलाद की भक्ति देखो। पिताजी ने पूछा, बताओ मेरे डर से सारा दुनिया थरथर थरथर कांपते है, सारा दुनिया कांपते है, लेकिन तू ऐसे के ढीठ है जैसे कुत्ते का पूछ को, भले ही जितना तेल लगाओ, जितने घी लगाओ, कुत्ते का पूछ को भाई सीधा कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए तेरे को सीधा करना बड़ा कठिन है। और इस दैत्य रूपी चंदन वन में, हैं, दैत्य रूपी चंदन वन में तुमने कांटा के वृक्ष के ही जन्म ले लिया। वो कह रहे जो दैत्य है वो चंदन वन, और जो भक्ति करते हो कांटे। देखो उसी समय केवल एक हिरण्य कश्यप का एक था, अभी घर घर में हिरण्य कश्यप सब हो गया। अगर कोई भगवान की भक्ति करना, भले इसे कंठी माला तिलक तुमने कैसे पहन ली, हमारा इतने उच्च जाति कुल में, हैं, इतने उच्च कुल जाति में तुमने कैसे एक तिलक कंठी लगाने वाला आ गया। मतलब जो भगवान की भजन करे, कभी बुद्धि किसकी, राक्षसों का बुद्धि। हिरण्यकश्यप कह रहे ना, ये चंदन बन है ये हमारी राक्षस बन, तू एक कलंक कहाँ से, तू चंदन बन में कांटा बिखर कैसे जन्म ले लिया। मतलब वो कह रहे हम चंदन वन किसका बुद्धि, बोले राक्षसों का बुद्धि। अगर कोई भगवान की भजन करने पर उसको ऊपर जो कटाक्ष करते हैं, क्या कंटी माला तिलक, तो वो इंसान नहीं हिरण्यकश्यप, वो सब हिरण्यकश्यप, ये सब राक्षस हैं। बोले बताओ तेरे को इतने बल कहाँ से मिला? बोले पिताजी जिसकी बल में ये विश्व ब्रह्मांड बलियान है, अभी वो तुम्हारी हृदय में है, इतने अकड़ रहे हो, अगर चले जाए ना शरीर को फेंक दे, घर से बाहर निकाल देंगे, वो सभी का हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी बल में बलियान है, अगर वो आत्मा चली जाए ना मेरे शरीर कोई काम नहीं करता है। बोले निकालो घर से, उनको शमशान ले जाओ, छुओ मत, जिसको स्नान करके छूते थे उसको छो करके स्नान करना पड़ता है, कि उसकी बल में विश्व ब्रह्मांड बलियान है, उनकी उसकी इच्छा के बगैर के पत्ता भी दुनिया में नहीं हिलता है। अरे तो बड़े बड़े बात करता हूँ, पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा, तेरे को बाद में दिखाऊंगा, बताओ तेरे प्रभु कहाँ है? बोले ये बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ तो बताओ, मेरे प्रभु तो कड़कड़ में सर्वत्र, मेरे प्रभु 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 सारा दुनिया है प्रभु। बोले खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है सचमुच से नरसिंहदेव प्रकट हो गए, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। क्यों? भक्त ने बोल दिया ना, प्रहलाद ने कह दिया
भगवान यहाँ पर, अब भगवान कणकण तो विद्यमान है, इसलिए भक्तों की बात रक्षा करने के लिए भगवान खंभे पे प्रकट हो गए। देखा वहाँ बैठ कर मुस्कुरा रहे, बोले तेरे प्रभु को पहले दिखाता हूँ, तेरे को दिखाऊ। मारे मुष्टि का घात, मारे मुष्टि का घात, तो खंभा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो हम कहते हैं कणकण में भगवान है, लेकिन ये चीज को स्थापन किसने क्या प्रहलाद मतलब क्या बोले तुझका हृदय में भक्ति, भगवान कैसे प्रकट होता है, भक्ति, भक्ति को द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं, भक्ति को द्वारा ही भगवत दर्शन है, भक्ति ही भगवान तक ले जाती है। इसलिए भक्ति कहाँ प्रकट होगी, प्रहलाद की हृदय। ये भक्ति ये नहीं बताया, अरे राक्षस का बेटा है, इसकी हृदय में मैं कैसे प्रकट हो जाता हूँ, बोले नहीं भक्ति अहैतुकी अप्रत्यता जद्रिचया है, भक्ति अपना इच्छा से जहाँ इच्छा करेगी भक्ति वही प्रकट हो सकती, भक्ति के लिए कोई नियम नहीं, भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, है? इसलिए अब श्री राक्षस कुल में कौन जन्म लिए, कहते श्री विभीषण, राक्षस कुल में विभीषण प्रकट हुए, विभीषण राम को रावण को समझाए, बेटा भैया हम कुलस्थ बन सके हमारी धर्म नहीं, पराई स्त्रियों को हरण करना हमारी धर्म नहीं, सीता जगदम्बा जगह जननी जाओ उसको वापस दे कर जाओ। बोले दुष्ट मेरे को उपदेश दे रहे हो, रावण को क्रोध आया, मार लात उसको, लात मार तो लुढ़कते 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 नीचे आ गई, फिर उसने भगवान राम की शरण में आ गई। जब प्रभु राम की शरण में आए, इतने में अभी तक उसने रावण को नहीं मारे, लेकिन उन्होंने विभीषण को राज तिलक लगा दिया, बोले आज से लंका का राजा तू। भगवान कौन है, बोले सत्य संकल्प, बोले सत्य संकल्प मतलब जिनका संकल्प कभी छुट्टा नहीं होता है, जिनका संकल्प सत्य होता है, मतलब वो जो बोल दिया वो होगा ही, वो संकल्प कभी छूटा नहीं होगी, वो सत्य संकल्प भगवान है, उनने बोल दिया मतलब बस हो ही गया, हो ही गया। देखो बोले जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 बार सर काट करके शंकर को चढ़ा दी, इसलिए उनका नाम हो गया दशानन, और उसने कितने कठोर तपस्या किया लंका को पाने के लिए, कठोर तपस्या की, लेकिन विभीषण केवल उसने प्रभु राम के शरण में, केवल राम के शरण में आ गया, केवल उनके चरण में प्रणाम कर दिया। अब भगवान क्या क्या लंका का राजा बना, यहाँ शिक्षा देते हैं जो बड़े बड़े वैभव को प्राप्त करने के लिए दूसरे दूसरे जो बड़े बड़े तपस्या करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रभु की शरण में आ गया एक बार ना, केवल प्रभु की शरण में आ गए बात रास्ते लंका का राजा बन गया, मतलब जो भक्त भक्ति को द्वारा, भक्त भक्ति को द्वारा ज्ञान वैराग्य तपस्या का द्वारा बड़े बड़े कठोर तपस्या करती जो चीज को प्राप्त करते हैं नहीं कर पाते हैं, भगवान कहते मत भक्त मत भक्ति जोगे ना तत् लभते अंजसा, मेरा भक्त मेरे भक्ति को द्वारा वो सारे वस्तुओं को, मेरा भक्त को ये सारे वस्तु मेरे भक्तों को मिल जाते, मेरे भक्तों को ये सारे वस्तु अपने आप भक्ति करने से मेरे भक्तों को सब कुछ मिल जाती है। इसलिए कहते जो भक्ति है ये जद्रिच्छा इच्छा से, ये किसी के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं करता है, यहाँ प्रकट होएगी नहीं तो यहाँ प्रकट नहीं होएगी, नहीं वो सर्वतत्र स्वतंत्र है, भक्ति भगवान जैसे कहेगी भक्ति प्रकट होकर के बड़े निकृष्ट व्यक्ति को भी वो ऊँचा बना देगी, निकृष्ट व्यक्ति को भी भक्ति ऊँचा, और ऊँचा व्यक्ति होने पर भी भक्ति नहीं करना उसको निकृष्ट बना देते, वो निकृष्ट बना देते हैं। इसलिए भगवान भक्तों का वशीभूत होकर के भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन्होंने झूठन पांडव का राज यज्ञ में भगवान झूठे का पत्ता उठाया है, जो खाने के बाद जो झूठा पत्तल भगवान उठाए और सबका जूते को जितने ऋषि मुनि आ रहे थे चरण धोए और जूता को उन्हें भगवान, कितने भगवान और कितने बड़े कितने निकृष्ट काम किया है, लेकिन उन्होंने पांडव का हृदय में प्रकट हो गए, भक्ति क्या हुई, पांडव का हृदय में भक्ति प्रकट हुई,
प्रकट होकर के क्या किया, तब इतने बड़े जो भगवान हैं कहाँ झूठे पतल उठाए और संता चरण ठाकुर जी पर भगवान होते हुए भी कितना दुर्जन की कृपा ताकि साग विदुर भगवान विदुर के हृदय में प्रकट हो गए। दुर्योधन की विवाह मिश्री को प्रभु ने त्याग दिया। भगवान जब शांति दूत बन करके आए थे, दुर्योधन ने सोच रहा था ये तो ग्वाला बस इसको खिला पिला कर ना संतुष्ट कर दूंगा, छापन दो 36 व्यंजन बना कर रखा। भगवान जब आए बोले देखो पांडवों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो उसमें खुश हो जाएगा सारे राज्य भोग कर। बोले क्या 5 गांव युद्ध के बगैर सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं, अब तू कह रहे हो हैं उनको क्या 5 गांव दे दो। बोले दुर्योधन तेरे को पता है युद्ध क्या होता है? बोले सब कुछ मेरे को पता है, बोले सब ज़्यादा उपदेश देने का जरूरत नहीं। बोले कृष्ण चलो पहले भोजन करो, बोले खाना खा लो। वो सोच रहा था खिला पिला कुछ खुश कर देंगे। भगवान ने कहा देखो 3 जगह पर खाया जाता है, पहला अगर कोई मित्र हो। दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे मित्र नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे भक्त का जो मित्र हो वो मेरे मित्र और मेरे भक्त का जो शत्रु है मेरे शत्रु है, मेरे शत्रु है इसलिए तू मेरे शत्रु है, क्यों पांडवों का तू शत्रु हो। बोले दूसरे जगह पर खाते हैं। बोले कहाँ पर? बोले भूख लगे तभी खाएगा, लेकिन मेरे तो भूख है ही नहीं, मैं आत्मा राम आपका काम। बोले तीसरी जगह पर खाते हैं, जिस काम के लिए आप गए वो काम अगर बन गया ना भैया, जिस काम के लिए आए काम बन गया चलो भोजन कर ले, लेकिन जिस काम के लिए आए काम ही नहीं बना इसलिए भैया मैं खाना नहीं खा सकता। हाँ बोले कहाँ खाओगे? बोले कहीं खा ही लूँगा, कहीं खा लूँगा। दुर्योधन ने कहा ग्वाला को बांधो पकड़ो इसको, बोले खाएगा नहीं। पहले क्यों नहीं बोला? तेरे लिए मैंने इतने 56 भोग 36 व्यंजन बनाया, तो पहले बोल देता पहले या खाओगे नहीं, बांधो इसको जल में बंद कर दो। फिर भगवान विराट रूप दिखाए, हैं विराट रूप भगवान दिखाए। फिर भगवान कहाँ गए? विदुर जी के घर में गए और विदुर हैं कहते विदुर नहीं थी विदुरानी, इसलिए विदुरानी ने भगवान को बैठा कर क्या खिलाए, केले का छिलका खिला रहे थे और भगवान बड़े खुश होकर खा रहे थे। विदुर जब आया बोले पागली क्या कर रहे हो, हैं केले का छिलका खिला रहे हो, केले फेंकते जा रहे हो, वो तो प्रेम से खिला रही थी। इतने में उसका होश आ गई, बोले भैया बात तो सही है, कहते बात तो सही है। फिर उन्होंने केले केला खिलाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने कहा देखो विदुर मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं केवल प्रेम ही खाता हूँ, मैं केवल प्रेम ही खाता हूँ। बोले केले के छिलके में जो आनंद आ रहा था ना, अभी वो केले में वो आनंद नहीं आ रहे हैं, केले में वो आनंद नहीं आ रहे। फिर तो उन्होंने भगवान वशीभूत होकर के केले का छिलके ठाकुर ने केले का छिलक था। इसलिए यहाँ पर विदुर कौन है? कहते विदुर कौन है? कहते जो विदुर है ये छोटे जाति के जन्म ग्रहण किया है, है? विदुर विदुर सक विदुरस्य का कुल है, इसलिए विदुर कौन है? उनके घर में जो सेवा कर रही थी है, इसलिए विदुर कहते ये साधारण घर की विदुर है। लेकिन विदुर होने पर भी भगवान क्या किया? दुर्योधन कौन? राजा। लेकिन उसकी हृदय में भक्ति नहीं प्रकट हुई, लेकिन किसको हृदय में प्रकट हुई? दुर्योधन का हृदय में नहीं, दुशासन के नहीं करने का हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई है। भक्ति ये नहीं देखी ये ब्राह्मण है, भक्ति हम इसकी हृदय में प्रकट हो। बोले नहीं, भक्ति अपना इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकती है, इसलिए उन्होंने विदुर और विदुराज के हृदय में प्रकट हुई भक्ति और भगवान उसको घर में केले का छिलका ठाकुर जी केले का छिलके खाए। इसलिए दुर्योधन को मेवा त्यागे और साग विदुर भरे खाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो भक्ति है वो अपना इच्छा से कहीं भी ये भक्ति प्रकट हो सकती, जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है भगवान जैसे किसी को पर कृपा कर सकते हैं, भक्ति भी कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी को दुख ऊपर में भक्ति कृपा कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति का सर्वत्र भक्ति आई मिले नहीं,
मतलब बताओ हमारे श्री सुदामा से का धन, सुदामा तो दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा थे लेकिन था, लेकिन भगवान ध्रुव जी को दर्शन, छः महीना में भगवान दर्शन। इसलिए कहते जो भक्ति ये कहीं किस चीज को नहीं देखती है, दर्शन को मार करके भगवान उसको उधार किया है, है? भगवान उसको उधार किया है। इसलिए यहाँ पर स्वरूप गोस्वामी कहते हैं भैया भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ये भक्ति कहीं भी प्रकट होकर के निकृष्ट व्यक्ति को भी ये भक्ति ऊंचा कर देता है और जितने बड़े व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। बोले श्री भक्ति महारानी की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरे हो। और भक्ति देवी कौन है? बस राधा रानी। भक्ति देवी कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा रानी भक्ति देवी। बोले श्री राधा रानी की जय। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।